तो कैसे हो दोस्तों आप लोग, आज मैं आया हूँ चांदनी चौक। जी बिल्कुल सही सुना आपने, चांदनी चौक एक ऐसी जगह है जहाँ पर खाना पीना कपड़ा कुछ भी आपको चाहिए, सुई से लेके जहाज तक का सामान भी यहाँ पे मिल सकता है। और आज मेरे साथ हैं वही मेरा पुराना दोस्त दिल्ली वाला। हाय दोस्तों, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और तुम एकदम सही जगह लेके आए हो। वीकेंड पे इससे बढ़िया कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको दिल्ली वालों को टेस्ट कराना है तो चांदनी चौक आपको आना ही पड़ेगा। चांदनी चौक दिल है पूरे इंडिया का, दिल्ली का नहीं पूरे इंडिया का बोलूंगा, क्योंकि यहाँ से बढ़िया खाना कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही कहा। और आने वाले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ की छोटी सी गली, बाहर निकलते ही कुछ दूर चलते ही नटराज दही बल्ले वाला है, वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। अभी हमने मंदिर में माथा टेका है और मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी जेब में मात्र 100 रुपये हैं या 50 रुपये भी हैं तो आप यहाँ पर भर पेट खाना खा सकते हैं। बिल्कुल सही बोला। बिल्कुल, तो चलो यार, बहुत ज़्यादा वेट नहीं करते हैं, मुझको लेके चलो, मैं देखता हूँ। मैंने नाम काफ़ी सुना है, मैंने एक दो बार पहले भी ट्राई किया था, बट बहुत साल हो गए, आप देखते हैं कि टेस्ट सेम रहता है या नहीं रहता। बिल्कुल, और आप हमारे पीछे देख रहे हैं लोग कितना दिलचस्प ले रहे हैं खाते समय, और मतलब पूरी फैमिली यहाँ आती है इनके दही बल्ले और टिक्की खाने के लिए। अब ज़्यादा वेट ना करते हुए चलो चलेंगे। यहाँ नटराज पे आया हूँ तो मैं आपको यहाँ पे ओनर से मिलाता हूँ। तो भैया आपका नाम क्या है? जितिन शर्मा। तो हमको कितना टाइम हो गया इस शॉप को, यहाँ कितना टाइम हो गया है? ये सिंस 1940 से 1940 से शॉप है। तो आप अकेले ओनर हैं या आपके साथ भी कोई लोग पार्टनर हैं? मेरे साथ चार और मेरे चाचा जी पार्टनर हैं। मेरे फादर एक्सपायर हो गए, वो उनके साथ चार उनके भाई और हैं, मेरे पांच पार्टनर हैं यहाँ। पांच पार्टनर हैं। तो भैया आप मुझको ये बताओ कि यहाँ पे दही बल्ले ज़्यादा बिकते हैं या टिक्की ज़्यादा बिकती है, या इसके अलावा भी आपने मेन्यू में और भी चीज़ें ऐड की हैं, बट अभी भी सिग्नेचर डिश आपका क्या है? वो दही बल्ले के नाम से फेमस है तो वही रहेगा जिंदगी भर, तो वैसे तो। लेकिन जो ऊपर और चीज़ें, हमारा कैफे ऊपर है, रेस्टोरेंट ऊपर है, सिटिंग अरेंजमेंट, वो फैमिली के लिए बहुत चीज़ें बना रखी है। डोसा है, चाउमीन है, छोले भटूरे है, थाली है, और चीज़ है, चाट है। यहाँ पे नीचे सिर्फ दही बल्ला आलू की टिकिया है और दही बल्ले के नाम से हम ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है मेन। तो भैया ये बताओ कि डेली कितने ऑर्डर हम लोग कर लेते हैं? नहीं, ये तो अंदाजे लगाना मुश्किल है, आजकल तो कुछ भी नहीं है। ये तो आज आपको पब्लिक भी दिखाई दे रही है, नहीं तो अभी बीच में वर्थ गए और ये जो हालत हो रही है यहाँ पर चांदनी चौक में विकास कार्य के नाम पर, ये तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, कुछ भी नहीं होता। अब उतनी सेल्स नहीं होती हम लोग की? बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल ही खत्म कर रखा है उन्होंने। बिल्कुल, आप देख रहे हो कि इधर का उधर नहीं दे सकता, उधर का इधर नहीं दे सकता, कैसे होगा कुछ भी? सारी जगह टूटा पड़ा है, सारी जगह बुरी हालत हो रही है। ये आपका एक पेन पॉइंट है। वीकेंड में हमेशा, सैटरडे में हमेशा यहाँ पर अच्छा होता है। तो थैंक यू भैया, सबसे पहले तो मतलब मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इतने साल से टेस्ट को बरकरार करके रखे हुए हो और सभी को सर्व कर रहे हो। हमारे दोस्तों के लिए अगर यहाँ पे आना हो तो बता दीजिए सबसे इजीएस्ट वे क्या है? ये मेट्रो, ऑलवेज एक ही वे मेट्रो है ये, यहाँ पर चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन उतरो, सीधा पहला आपका शॉर्टकट यही निकलता है शनि मंदिर के पास से। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, मुझको दे दीजिए। अगर मैं पूछूं इसमें आप क्या क्या डालते हैं? दही बल्ले, काला मसाला और चटनी। ओके, इसका टेस्ट बाकी बल्लों से बहुत ज़्यादा अलग है, तो इसमें ऐसा क्या स्पेशल, क्या कुछ डालते हो? स्पेशल तो कुछ नहीं, इसको बनाने का तरीका अलग है। ओके, क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट तरीके से बना के रखा जाता है। ओके, इससे इसका सॉफ्टनेस बना रहता है। ओके, तो मुझको बताओ कि एक प्लेट बल्ले का रेट कितना है और यहाँ पर सबसे एक्सपेंसिव आइटम कितने का है? एक प्लेट की रेट है 50 रुपये। टिकिया भी वही रेट है हमारा, आलू की टिक्की वो भी सेम रेट है। दो प्लेट टिक्की बस, पिछले 5 साल से नहीं बढ़ाया। तो अभी फाइनली मेरे पास आ गया दही वाला, बहुत डिलीशियस लग रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, दुकान के आसपास पैर रखने की जगह नहीं है। मैं थोड़ा साइड में आ गया हूँ, एक दो प्लेट दही भल्ले लिए हैं, एक मेरे दोस्त ने और एक मैंने। शुरू करता हूँ, सिंपल सा दही है, कुछ मसाले वाले नहीं है, जैसे नॉर्मल हल्दीराम वगैरह में आप देखते हो कि अनार अनार डाल के फ्रूट्स डाल के वो देते हैं। यहाँ पर एकदम सिंपल सा है, भल्ला है, उसके ऊपर एक कुछ मसाला तो डालते हैं ये लोग, और साथ में लाल चटनी है। तो मैं खा के बताता हूँ आपको, यहाँ का सीधा रिव्यू देता हूँ। अच्छा टेस्ट है, पर सबसे ज़्यादा जो इसका टेस्ट आता है वो इसके मसालों का है। कुछ 8-10 मसाले मिला के ये लोग डालते हैं ऊपर भल्लों के ऊपर, और साथ में दही और चटनी देते हैं ये लोग।
अगर आप इसको पैक करा के भी लेके जाएंगे घर में, सेम टेस्ट रहेगा जो कि आप दुकान से खाते समय लेंगे, कोई टेस्ट नहीं बदलता है इसका। यही इसकी सबसे ज़्यादा खास बात है, नटार दही बल्ले। ये देखिए दोस्तों, इतनी गर्मी में गर्मा गर्म टिक्की का खाने का मज़ा ही कुछ और है, और वो भी जो कि नटराज दही बल्ले की हो। अंदर भैया मसाले डाल रहे हैं, ये देखिए टिक्का मसाला है।